कि दो समुदायों के बीच में टकराव की घटना हुई है। अभी स्थिति नूह जिले में पूरी तरह से नियंत्रण के अंदर है और जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। कुछ कैजुअल्टी भी हुआ है? हाँ, कुछ कैजुअल्टीज की भी रिपोर्टिंग है और इसमें फोर्स के भी कुछ मेंबर्स को चोट लगी है और आपस में भी जो झगड़ा हुआ था उसमें भी लोगों को चोट लगी है। क्या आप उस संख्या बता पाएंगे सर, पुलिस फोर्स की तरफ से या फिर आम नागरिकों? नहीं, अभी उस संख्या थोड़ी देर बाद में हम कर रहे हैं, उसकी जो आंकलन चोट जिसको भी लगी है, अलग अलग हॉस्पिटल्स में जो जो भर्ती है वहां से हम डाटा एकत्रित कर रहे हैं। वजह कुछ पता चला आप लोगों को, किस वजह से ये हिंसा इस तरह से फैला? देखिए, इसमें कुछ जो इश्यू था, शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो उस शोभा यात्रा के अंदर ही कोई ऐसी बात हुई है जिसके वजह से टिप्पणी को लेकर आपस में टकराव हुआ है और अभी उसके कारणों का विश्लेषण किया जा रहा है। कुछ लोग आप लोगों ने गिरफ्त में भी लिया है जो? जी, अभी कुछ लोगों को गिरफ्त में लिया गया है और आगे भी जो भी वीडियो के बेसिस पे सबको आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार किया जाएगा। इंटरनेट सेवा भी आज माननीय उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार जिले में पूरे में इंटरनेट सेवा भी बंद की गई है जिससे कि कोई भी वंचित तत्व इसमें अफवाहें ना फैला सके। कब तक शांति बहाल होने की बात की जा सकती है? देखिए, पूरा प्रशासन इसमें एकजुट होकर इसमें स्थिति को नियंत्रण करने में पूरी तरह से लगा हुआ है और अभी स्थिति कंट्रोल में है। अभी हमारा मेन सभी लोगों से यही अपील है कि जो भी सामाजिक और मौजूद लोग यहाँ के हैं वो लोग इस चीज के ऊपर अपना ध्यान रखें और जो भी अपने आसपास के जो लोग हैं सिचुएशन को खराब करने में लगे हुए हैं उनके ऊपर नियंत्रण लगाएं।